गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 26 अगस्त और आज के करंट अफेयर यहाँ पे हम कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक शॉर्ट न्यूज़ है। शॉर्ट न्यूज़ में ये बताया गया है कि हमारे यहाँ पर पिछले 30 सालों में जितनी भी बर्ड स्पीशीज़ है ना टोटल, उसमें से 60% ऐसी हैं जो डिक्लाइन हो गई हैं, ठीक है। और यहाँ पर नंबर भी बताया गया है, 338 बर्ड स्पीशीज़ जो भारत में जिन पर स्टडी की गई है उनका 60% उनका डिक्लाइन हो गया है। ये असेसमेंट 3 इंडिसेस पर बेस्ड है। 2 जो है ये रिलेटेड हैं टू द चेंज इन अबेंडेंस लॉन्ग टर्म ट्रेंड, जो कि 30 सालों में चेंज हुआ है, ठीक है। और करंट एनुअल ट्रेंड जो जिसमें पिछले 7 साल जो हैं उसमें चेंज आया है। तो ये 2 चीज़ें हो गई, एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड की बात कर रहा है और दूसरा करंट एनुअल ट्रेंड की बात कर रहा है 7 साल और 30 साल में, ठीक है। और तीसरा मेजरमेंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन रेंज साइज विद इन इंडिया, इस पर बेस्ड है। तो ये 3 इंडिसेस हैं जिस पर ये असेसमेंट किया गया था और फाइनली रिजल्ट ये आया है कि 60% ऑफ बर्ड स्पीशीज डिक्लाइन देखी गई है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, हु वन फिडे चेस वर्ल्ड कप 2023। तो हमारे भारत के जो आर प्रज्ञानंद हैं वो सेमीफाइनल में पहुंचे थे। हमने ये क्वेश्चन भी देखा था कि सेमीफाइनल में पहुंचने वाले वो विश्वनाथन आनंद के बाद 2nd भारतीय बने हैं, ठीक है। लेकिन फाइनल में ये नहीं जीत पाए। मैग्नस कार्लसन जो हैं ये जीते हैं, रनर अप रहे आर प्रज्ञानंद और 2nd पोजीशन पर ये रहे हैं, ठीक है। तो वही चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। प्रज्ञानंद वॉज द यंगेस्ट वर्ल्ड कप फाइनलिस्ट एवर और साथ ही यंगेस्ट वर्ल्ड कप विनर भी ये रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट इशूड नोटिफिकेशंस बैनिंग प्लास्टिक बॉटल्स। प्लास्टिक बॉटल्स जो हैं इनको बैन करते हुए नोटिफिकेशन जारी किया है, इनको बैन करने के लिए कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने। आंसर होगा असम गवर्नमेंट, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। असम इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसने नोटिफिकेशन इशू किया है जिसके ज़रिए बोला गया है कि प्लास्टिक वाटर बॉटल्स इनके यूज़ और प्रोडक्शन दोनों को बैन किया जा रहा है। और कौन सी बॉटल्स, 100 ml कैपेसिटी से नीचे वाली जितनी भी बॉटल्स हैं जो कि पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट के द्वारा बनाई गई हैं, PET जो होता है, इस मटेरियल से जो भी बॉटल्स बनाई जाएंगी बिलो 1000 ml कैपेसिटी उनको बैन किया जा रहा है। और 2 अक्टूबर से ये जो बैनिंग है स्टार्ट हो जाएगी, इम्प्लीमेंट हो जाएगी। इन्फोसिस अपॉइंटेड होम एज अ ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। तो इन्फोसिस के द्वारा ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया गया है इगर्स वाइटेक को। तो ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट हो जाएगा। मल्टी ईयर पार्टनरशिप है ये, ठीक है, 1 या 2 साल की नहीं, कई सालों तक ये पार्टनरशिप रहेगी जिसमें इगर्स वाइटेक प्रमोट करेंगी इन्फोसिस के डिजिटल इनोवेशन एंड इंस्पायर वेमेन अराउंड द वर्ल्ड। जो प्रोग्राम चला रहा है ये इन्फोसिस, इसको ये प्रमोट करने का काम करेंगी इगर्स वाइटेक। इगर्स वाइटेक की बात करें तो ये 4-time ग्रैंड स्लैम चैम्पियन रह चुकी हैं, साथ ही में वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट फोर्सेज इन द वुमेन्स गेम, जो कि वर्ल्ड नंबर 1 भी हैं। अप्रैल 2022 में इनको वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग प्रदान की गई थी। इन्फोसिस की बात की जाए तो ये ग्लोबल लीडर है इन नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल सर्विसेज, और इसी की जो डिजिटल सर्विसेज हैं उनको प्रमोट करने का काम इगर्स वाइटेक के द्वारा किया जाएगा ग्लोबली, ठीक है। ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी है इसकी। यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर से वाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले ICC वर्ल्ड कप 2023, इसके ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान बनाए गए हैं। BPCL के हैं राहुल द्रविड़। पहले इंडियन ग्लोबल एम्बेसडर फॉर फैशन ब्रांड गुची, ये आलिया भट्ट बनी है। त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर हैं सौरभ गांगुली। बंधन बैंक के भी सौरभ गांगुली हैं। प्यूमा इंडिया के हैं हरमनप्रीत कौर। फिर पेप्सिको इंडिया रणवीर सिंह। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड प्रसून जोशी। यूनिसेफ इंडिया के हैं आयुष्मान खुराना और जियो सिनेमा के हैं सूर्य कुमार यादव। हु इज़ अवार्डेड विद ग्रीस अवार्ड। ग्रीस जो कंट्री है उसका अवार्ड है द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ओनर। तो पिक्चर में भी आप देख रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी ग्रीस गए हुए हैं अभी, और आज ही उन्होंने एथेंस में जो प्रवासी भारतीय रहते हैं उनको एथेंस में उनको संबोधित भी किया है, एड्रेस किया है, और इन्हें ये अवार्ड मिला है। ग्रीस का अवार्ड है द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ओनर, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। ग्रीस की प्रेसिडेंट हैं ये जो इनको अवार्ड प्रेजेंट कर रही ना, ग्रीस की प्रेसिडेंट हैं कैटरीना साकेलारो पाउलो। अब मैं प्रोनाउंस ठीक से नहीं कर रही हूँ तो माफ़ कीजिएगा। फिर यहाँ पर इस अवार्ड के बारे में थोड़ा सा बताया गया है कि जो वहाँ पर जो गॉडेस एथेना है जिनको काफ़ी ज़्यादा माना जाता है उनका हेड फ्रंट साइट पर है
ऑफ द स्टार विद द इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन उस पर लिखा हुआ है ओनली द राइटियस शुड बी ऑनर्ड। ठीक है, यहाँ पर हम इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स रिवाइज कर लेते हैं। तो सी एस आर टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अभी कुछ दिनों पहले शल्लू जिंदल को दिया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट रिक्स साउथ एशिया अवार्ड्स सुभाष रनवाल को मिला। ग्लोबल लीडर अवार्ड जयेश सैनी को। डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड एट इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न मिला है मृणाल ठाकुर को। ग्लोबल विजनरी एंटरप्रेन्योर अवार्ड मिला दीपक शेनॉय को। बेस्ट मैनेज्ड फार्मास्यूटिकल सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड मेडिक ड्रैगन प्राइवेट लिमिटेड को मिला है। विच कंपनी हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट यूनिकॉर्न इन नियरली अ ईयर, एक साल के अंदर अंदर ये इंडिया की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है, कौन सी है? तो जेप्टो है, ऑप्शन सी करेक्ट है। ये ग्रॉसरीज के लिए है, ग्रॉसरी स्टार्टअप है जेप्टो, ठीक है, और 10 मिनट्स के अंदर डिलीवरी के लिए प्रॉमिस करती है ये कंपनी। 2021 में ही स्टार्ट हुई थी बाय 219 ईयर ओल्ड स्टैनफोर्ड ड्रॉपआउट्स, और इसने अभी $200 मिलियन फ्रेश फंडिंग रेज की है एट अ वैल्यूएशन ऑफ $1.4 बिलियन, और इसी के साथ में ये बन गई है पहली स्टार्टअप इन द कंट्री टू क्रॉस द $1 बिलियन वैल्यूएशन मार्क इन नियरली अ ईयर, एक साल के अंदर। और ये कुछ कंपनीज है ना, जैसे स्विगी है, ब्लिंकिट है, इनको कम्पीट करती है ये, और एक साल के अंदर बन गई है इंडिया की पहली यूनिकॉर्न। ठीक है, नेक्स्ट है बी आर ओ इनॉग्रेटेड बेली ब्रिज इन विच स्टेट। तो बेली ब्रिज जो है ये अरुणाचल प्रदेश में ब्रो के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है इंडियन आर्मी इन कोलैबोरेशन विद बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन एंड डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ द अंजॉ डिस्ट्रिक्ट। अंजॉ डिस्ट्रिक्ट ये अरुणाचल प्रदेश में ही है जहाँ पर इस ब्रिज को इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है, तो हमारी इंडियन आर्मी और BRO दोनों के द्वारा कोऑर्डिनेशन के द्वारा ये बनाया गया है। यहाँ पर हम कुछ ब्रिज देख लेते हैं इंडिया के जो अभी न्यूज़ में रहे हैं और अभी कुछ इनॉग्रेट हुए हैं, कुछ बनना शुरू हुए हैं, न्यूज़ में रहे हैं किसी न किसी तरह। पहला है वर्ल्ड का हाईएस्ट रेल ब्रिज, कौन सा है? चिनाब ब्रिज जो जम्मू कश्मीर में बन रहा है। फिर इंडिया का पहला केबल स्टेट रेलवे ब्रिज अंजी खाद ब्रिज है जो कि जम्मू कश्मीर में है। सियोम ब्रिज अरुणाचल प्रदेश में है। बेली सस्पेंशन ब्रिज ये मैत्री सेतु के नाम से भी जाना जाता है, जम्मू कश्मीर में है चिनाब रिवर के ऊपर। एशिया का सेकेंड और कंट्री का फर्स्ट केबल सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु ऋषिकेश में है। लक्ष्मण झूला आप लोग देखते होंगे ना, बहुत साल पुराना है, तो उसी के एक ऑप्शन के तौर पर इसको बनाया गया है बजरंग सेतु को। ठीक है, इंडिया लॉन्गेस्ट स्टील ब्रिज कौन सा है? महात्मा गांधी सेतु, इसे गंगा सेतु के नाम से भी जानते हैं, गंगा रिवर के ऊपर ये बना हुआ है। विच मूवी वन द बेस्ट हिंदी फिल्म अवार्ड इन 69th नेशनल अवार्ड्स 2023? पिक्चर में देख ही रहे हैं आप, सरदार उधम जो है इसे बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड दिया गया है 69th नेशनल अवार्ड्स में। वैसे इस टॉपिक पर एक सेपरेट वीडियो भी अवेलेबल है तो आप लोग देख सकते हैं उसको। बेस्ट नॉन फीचर फिल्म ये अवार्ड मिला है एक था गांव को, सरदार उधम जीती है बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड। बेस्ट फिल्म क्रिटिक ये गया है पुरुषोत्तम चारयुलू, तेलुगु फिल्म है इसको मिला है। द कश्मीर फाइल्स को मिला है नरगिस दत्त अवार्ड। रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट इसे मिला है बेस्ट फिल्म अवार्ड। अल्लू अर्जुन ने जीता है बेस्ट एक्टर फॉर पुष्पा द राइज पार्ट वन। आलिया भट्ट और कृति सेनन इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है, आलिया भट्ट को गंगूबाई के लिए और कृति सेनन को मिमी मूवी के लिए। 26th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस बिगिन इन विच सिटी? तो ये जो है ई गवर्नेंस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस 26th एडिशन है इसका और इंदौर में ये कॉन्फ्रेंस हुई। टू डिलिबरेट ऑन प्रोवाइडिंग बेटर फैसिलिटीज टू द सिटीजन्स, और ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है इसको इनॉग्रेट किया ओम प्रकाश सखलेजा ने। विच स्टेट इमर्ज्ड एज द टॉप स्टेट इन न्यूट्रिशन अवेयरनेस इंडेक्स 2023? तो इसमें पंजाब जो है ये टॉप स्टेट के रूप में उभर कर सामने आया है। राइट टू प्रोटीन कैंपेन ने रिलीज किया है न्यूट्रिशन अवेयरनेस इंडेक्स 2023। स्टेट वाइज इंडेक्स है जो एसेस करता है अवेयरनेस अफोर्डेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ न्यूट्रिशन इन इंडिया एज परसीव्ड बाय एंड कंज्यूमर्स, ठीक है, जो सिटीजन्स हैं उनके द्वारा। तो पंजाब जो है टॉप स्टेट उभर कर निकला है और बिहार बॉटम रैंक प्राप्त की है बिहार ने। लकी बिल ऐप इज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? ये जो ऐप है इसको केरला गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है और अभी पीछे हमने देखा ना नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस, उसमें इस ऐप को लकी बिल ऐप को नेशनल अवार्ड दिया गया है क्योंकि ये टैक्स कंप्लायंस को प्रमोट करने का काम करता है, साथ ही फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करता है, जिस वजह से इसे इस ऐप को मिला है नेशनल अवार्ड। और साथ ही में सेंट्रल जीएसटी डिपार्टमेंट जो हमारा है उसने डिसाइड किया है कि इस
ऐप, ये जो केरला की ऐप है ना, इसको अडॉप्ट किया जाएगा नेशनल लेवल पर, ठीक है, ताकि टैक्स कंप्लायंस को प्रमोट किया जा सके। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, सेंट्रल जीएसटी डिपार्टमेंट का ये डिसीजन जो केरला की ऐप को प्रमोट करने का काम करेगा, अडॉप्ट करने का काम करेगा नेशनल लेवल पर, और साथ में इसको मिला है नेशनल अवार्ड भी। ठीक है, अब लास्ट में एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इंडियाज 54th टाइगर रिजर्व इज अप्रूव्ड इन विच स्टेट? ऑप्शन है कर्नाटका, राजस्थान, तेलंगाना या फिर छत्तीसगढ़। आंसर बताएगा इसका कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ फाइनली वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।